पुलिस का एंट्री। कौन है बे तू? ये ड्रेस देख के क्या लग रहा है? पुलिस लग रहा है। हाँ तो पुलिस ही है इंस्पेक्टर बुरबक सिंह। हाँ तो हम कब बोले कि तू होशियार है? ए, भाई के लिए चिकन मटन लेके आ। चिकन मटन? अबे हम तेल मसाला और सामान नहीं खाते हैं। का है भाई? का है कि भाई का एक किडनी फेल है। कितने नंबर से? कितने नंबर से भाई? लफंगा भाई, हाँ आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप टोटो क्यों आए हैं? अबे तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको खिंचाता है मेरे साथ फोटो और हम चलाते हैं टोटो। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं द कॉमेडी किंगडम चैनल से सूरज भैया का एक और धमाकेदार वीडियो, जिस वीडियो का नाम है गाइस लफंगा। So guys, आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये नया और एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, कृपया करके विराजमान हो जाए आप। तो चलिए दिखाते हैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच सूरज भाई के वीडियो को। क्या बात, रिक्शा से एंट्री सूरज भाई की। हट बे, उधर जाके बैठ। कौन है बे तू? ये मैं रखता हूँ छुरिया, मेरा नाम है सूर्या। क्या बात है, गजब के नाम है भाई। अबे मैं तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तू है कौन पहले ये बता। अच्छा, इधर आ बे। हमसे लेना नहीं पंगा, अपन है बहुत बड़ा लफंगा। लफंगा? 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 सिंगारपुर का लफंगा? हाँ हाँ, वही लफंगा। अरे लफंगा भाई, आप आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ए भाई के लिए चाय लेकर। भाई उठिए उठिए उठिए। क्या हुआ? आप ऊपर बैठिए, आपका जगह हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा, क्या इज्जत है यार, ऐसी काटेदार तो सबकी होनी चाहिए। वाह, गजब। बस बहुत हुआ इंट्रो। ये लीजिए भाई चाय। क्या बात, क्या रे, सुनने में आया तेरे एरिया में कोई लफड़ा हुआ है? लफड़ा? कहाँ लफड़ा हुआ है? कोई लफड़ा नहीं हुआ है, देखिए सब ठीक है। हाँ, कोई लफड़ा हो तो बताना। ठीक है भाई, जरूर बताएंगे। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। कहाँ? अरे भाई, आप इतना बड़ा आदमी है तो फिर टोटो क्यों आए? तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको आके खिंचाता है मेरे साथ फोटो और हम चलाते हैं टोटो। क्या बात है, क्या बात है भाई। अरे वाह, बजाओ ताली। बस अब हम घर जा रहे हैं, बाय बाय। सुनो भाई को रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलो भाई के साथ। क्या बात है, ये लीजिए भाई, बक्सा लेते आए। वाह, शाबाश। लेकिन हम लोग बक्सा ला करके बहुत बड़ा गलती कर दिया भाई, वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है। मैं करता हूँ कुल्ली और कुच्चा, अपू ने बहुत बड़ा लुच्चा, मैं किसी से डरता। चलो बक्सा खोलो। ठीक है भाई। इतना सारा पैसा, हट हट हट। क्या बात है, बिना म्यूजिक के ही डांस कर रहे हैं। अबे तू इतना खुश क्यों हो रहा है? ये सारा पैसा भाई ले लेगा, हम लोगों को थोड़ी कुछ मिलेगा। साला,
एक काम करते हैं, हम लोग 10,000 बांट लेते हैं, भाई को थोड़ी पता चलेगा इसमें पूरा 200 करोड़ है। हाँ ये ले, ये ले तेरा 10,000, ये ले तेरा 10,000, ये ले 10,000, ये ले तू भी ले 10,000, ये 10,000 मेरा मेरा, कोई भाई को नहीं बोलेगा, हम बोल देंगे। कहाँ बे? हमको 20,000 चाहिए। एक काम करो, ये लो 20,000, हमको भी 20,000 चाहिए, हमको भी 20,000 चाहिए। एक काम करते हैं, सब 20,000 बांट लेते हैं, ये लो, ये ले तेरा 20,000, ये लो 10,000 मेरा। चलो अब कोई भाई को नहीं बोलेगा, हम बोल देंगे। कहे बे? हमको 40,000 चाहिए। क्या बात है भाई, लालच बुरी बला है भाई। रे कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, सब पैसा बस रखो, तुम रहो, तू भी रख, तू भी रख, 20,000 बक्सा बंद करे, ये सब पैसा भाई के पास जाएगा, चलो उठा बक्सा, चलो। क्या बात, अबे रोड पे क्यों खड़ा है, चलो हटो रास्ते से, अबे तुम हटो रास्ते से, इधर से अपना भाई आ रहा है। कौन है बे तेरा भाई? हम रखते हैं बेलनार चकला, पीछे देखो आ रहा अपना भाई टकला। क्या नाम है भाई? कहाँ कोई आ रहा है? अबे तेरा पीछे नहीं, मेरा पीछे देखो। क्या बात, सुन बे टकला, हमसे लेना नहीं पंगा, अपन है बहुत बड़ा लफंगा। अरे साला हमसे डर नहीं रहा है? उसको बता, बता उसको कि हम कौन है। अभी बताते भाई, बचपन में पढ़े थे काका काका अंगा, अपना भाई ये बहुत बड़ा लफंगा। तो क्या हो गया? अरे साला फिर भी नहीं डर रहा है, कुछ खतरनाक बात बोलो ताकि सुनते ही एक बार में डर जाए, बोलो। अभी बोलते भाई, शादी के बाद हो जाता है बुतरू और चंगा, अपना भाई ये बहुत बड़ा लफंगा। साला अभी भी नहीं डर रहा है, अरे कुछ खतरनाक डायलॉग बोलो ताकि सुनते ही एक बार में डर जाए, अभी बोलते भाई। मेरा भाई से लेना नहीं पंगा, मेरा भाई है सिंगारपुर का लफंगा। क्या बात, सिंगारपुर का लफंगा, सिंगारपुर का लफंगा, सिंगारपुर का लफंगा। अब अबे तुम लोग इतना डर क्यों रहा है, हम किसी से नहीं डरते, जा इन लोगों को रास्ता से मार काटा। ठीक है भाई, चलो रे। साला इन लोग ऐसे नहीं मानेगा, तुम यही रुको, अभी अपना हाथ साफ करके आते हैं। लेकिन भाई आपका तो पहले साफ है, अब साफ करके आते हैं। लेकिन भाई आपका तो फिर भी साफ है, आप मारा गड़िए। अब साफ करके आते हैं। हाँ जाइए। क्या बात है, पागल की तरह सीख रहा है भाई। हो गया हाथ साफ, चलो। सब कोई तैयार हो जाओ, पूरे 2 साल बाद अपना भाई लफंगा आ रहा है। लफंगा, उनका स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात, आ भी गया लफंगा भाई, लफंगा भाई, लफंगा भाई, आराम से बैठा भाई, आपका स्वागत है। अब होगा नहीं कभी दंगा, क्योंकि आ गया अपना भाई लफंगा। आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। लफंगा भाई, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप टोटोस क्यों आए हैं? अबे तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको खिंचाता है मेरे साथ फोटो, और हम चलाते हैं टोटो। लेकिन भाई जब से मिले तब से आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है, देख क्या रहा है, फोटो खिंचा।
तुम लोग क्या देख रहे हैं, तुम लोग फोटो खींचा वन बाय वन देखा, सबको खिंचाता है फोटो और हम चलाते हैं टोटो। भाई के लिए कुर्सी ला, आइए भाई आइए। ए भाई के लिए चिकन मटन लेके आ। चिकन मटन? अबे हम तेल मसाला और सामान नहीं खाते। काहे भाई? काहे कि भाई का एक किडनी फेल है। कितने नंबर से? कितने नंबर से भाई, ये परीक्षा है। भाई के साथ मजाक करते हैं? लफंगा भाई का मजाक पसंद नहीं है। सॉरी भाई। तो बताइए भाई क्या खाइएगा? रात में सोते हैं बीवी के साथ, हम खाते हैं पानी भात। पानी भात? हाँ जा मेरे लिए पानी भात लेके आ। ठीक है भाई। ए जा भाई के लिए पानी भात लेके आ। हेलो भाई, पानी और भात? भात तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ भाई, आपके जाने के बाद हम लोग बहुत गरीब हो गए। हम लोग पानी पी के काम चला रहे हैं। लेकिन तुम लोग गरीब हुआ कैसे? क्या बताएं भाई, आपके जाने के बाद कुछ गुंडे आए और हम लोग को बहुत मारा। और सब कुछ लूट के चला गया। और आपका सोने का बक्सा भी लेके चला गया। सोने का बक्सा? लेकिन हम तो बेड पे सोते हैं। अरे भाई वो सोना नहीं, आपका गोल्ड वाला बक्सा लेके चला गया। गोल्ड वाला बक्सा? हाँ भाई, उसमें तो मेरा माल है। माल? अरे क्या भाई, वो माल नहीं, माल मतलब रोकड़ा। रोकड़ा उसमें मेरा 200 करोड़ है। 200 करोड़? हाँ। बताओ किसने चोरी किया मेरा सोने का बक्सा? मुझे नहीं पता भाई। मुझे पता है भाई। बताओ किसने चोरी किया? 36 गैंग वालों ने चोरी किया। 36 गैंग? नहीं भाई, गैंग एक ही है, सिर्फ उसका नाम है 36 गैंग। अबे वो 36 गैंग का हो या 35 गैंग का हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। लफंगा भाई का बक्सा चोरी किया है, समझ छोड़ेंगे नहीं उसको। यही है ना भाई? पुलिस? पुलिस? डबल रोल सूरज भाई। भाई अब क्या करें? टेंशन मत लो, मेरे पास एक दिमाग है। अच्छा ये क्या भाई, क्या बना के रो रहे हो? कब्रिस्तान में जा रहा है क्या इसको? पुलिस वाले को चकमा दे रहे हैं। देखो क्या हो रहा है। ये बक्सा में क्या है रे? लाश है सर। लाश है? हाँ। लाश है तो बक्सा में क्यों ले जा रहा है? सर इसका आखिरी इच्छा था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे बक्सा में लेके जाना। बक्सा में? हाँ। सर हमको तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार बक्सा चेक कीजिए। सही बोला, चलो बक्सा को नीचे उतारो, हमको चेक करना है। नहीं नहीं सर, बक्सा मत चेक कीजिए सर, इसमें खाली लाश है, पैसा नहीं है सर। इस साल पैसा तक बात कहाँ से आ गया रे? साला हमको जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है रे, बक्सा नीचे करो, हमको अभी चेक करना है। नीचे कर। और इस साला इसमें तो खाली पैसा है, लाश कहाँ है? लाश तो जला दिए है। अच्छा। और ये पैसा? पैसा को भी जलाने जा रहे हैं। लेकिन पैसा को क्यों जलाने जा रहा है? लाश का एक और आखिरी इच्छा था। क्या? जब हम मरेंगे तो मेरा साथ साथ मेरा धन संपत्ति सब साथ में जला देना। ये उसका धन संपत्ति है, हम इसको जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ इसने बात है। ठीक है जाओ जाओ जाओ, चलो चलो बंद कर, उठा 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 उठा। साला पहला ऐसा आदमी है जिसका दो दो को आखिरी इच्छा था। चलो क्या हुआ सर? ये बक्सा हमको सोने का लग रहा है। हाँ सर सोने का ही है, लाश इसी में सोता था। अबे वो सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड का लग रहा है। अच्छा। हाँ सर गोल्ड का ही है, ये भी उसी की संपत्ति है, इसको भी जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ सर इसने बात है। ठीक है जाओ चलो ना, चलो ना चलो। क्या बात है सर, लगता है आपको ये बुड़बक बना के चला गया। हमको बुड़बक कैसे बनाया करे, हम तो पहले से बुड़बक है। मतलब? मतलब इधर देखो, इंस्पेक्टर बुड़बक सिंह। क्या बात है। ठीक है तो चलो बुड़बक, इज्जत से। हाँ तो चलिए बुड़बक सर। चलो क्या लगे
उधर देखो भाई। सुन बे चुपचाप से सोने का बक्सा हमको दे दो, वो बक्सा मेरा है। नहीं देंगे तो क्या कर लेगा बे? अच्छा रे उसको बताओ कि हम कौन है। अभी बताते भाई, शादी के बाद हो जाता है बुतरू और चरक साला। तू चुप कर, हम बोलेंगे। हमसे लेना नहीं पंगा, पुणे सिंगारपुर का लफंगा। भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, जहाँ से हमने बक्सा चोरी किया वहाँ का ये मेन आदमी है। अबे मैन हो या उमेन हो, हम किसी नहीं डरते हैं। अब ये बक्सा अपना भाई का है। कौन है बे तेरा भाई? बता रहे कौन है अपना भाई? रखते बेलना और चकला, उधर देख आ रहा अपना भाई टकला। अरे साला ये तो वही टकला है साला, इसका तो थोड़ा सा बाल आ गया। क्या रहा टकला, उस दिन मारे थे भूल गया? बहुत अच्छा से याद है, उसी दिन का तो हिसाब किताब बराबर करना है। अच्छा तो हमको भी कॉपी कलम बराबर करना है। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, जाओ मार के हिसाब किताब बराबर करो। ठीक है टकला भाई, चलो रे। तुम लोग रुको, इन लोग का अभी कॉपी कलम बराबर करके आते हैं। फाइटिंग तो काफी कमाल की रहा था उसके बाद। पुलिस का एंट्री। कौन है बे तू? ये ड्रेस देख के क्या लग रहा है? पुलिस लग रहा है। हाँ तो पुलिस ही है इंस्पेक्टर बुरबक सिंह। हाँ तो हम कब बोले कि तू होशियार है? साला पुलिस से जमा लड़ाता है, हमको सब पता चल गया ये बक्सा किसका है। ए? सबको जेल लेके चलो। अरे ओ इंस्पेक्टर बुरबक सिंह, शायद तुम हमको सही से जानता नहीं है। अच्छा। हम पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर सही बोल रहा है, साला बड़ी खतरनाक आदमी है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साला खाली पैसा पैसा करते रहता है, पैसा के लिए लड़ते रहता है। पैसा को खाएगा क्या? हाँ खाएंगे, क्या करेगा भाई? खाएगा भाई, साला जेल में बताएंगे कि हम क्या कर लेंगे। सबको जेल लेके चलो। ठीक है सर। जेल, वेलकम टू जेल। हम लोग तीन दिन से कुछ नहीं खाए यार, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा खाने के लिए मांगो। ठीक है अभी मांगते हैं। अरे बुड़बक सर, सर हम लोग तीन दिन से कुछ नहीं खाए सर, कुछ खाने के लिए दीजिए नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा खाना चाहिए? हाँ वही तो बोल रहे हवलदार, इन लोगों को खाना दो। यस सर। ये लो। क्या पैसा खाना चाहता है भाई, पैसा ही खाओ। अरे बुड़बक सर ये क्या? बोला था ना पैसा को खाएंगे, अब खाओ पैसा को। सीरियसली क्या बात है? सो गाइस ये था सूरज भैया का धमाकेदार न्यू वीडियो। गाइस बहुत दिन के बाद सूरज भैया का एक नया वीडियो देखने को मिला है ना, और ये वीडियो काफी कमाल की है गाइस। ये वीडियो का बात ही मत कीजिए, मतलब इसमें जो डायरेक्ट किया गया ना कमाल की है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए है ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।